इस वीडियो में आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये जो एक्सरसाइज है 10.3, इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसमें टोटल 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है क्लास सिक्स का ये एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन में ये दिया है, सर्वेस मेड 45 रन्स इन 9 ओवर्स एंड अभिषेक मेड 32 रन्स इन 8 ओवर्स, हु मेड मोर रन्स पर ओवर। बहुत ही सिंपल है, हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सर्वेस रन्स, तो सर्विस ने 45 रन्स बनाया है कितनी ओवर में, 9 ओवर में, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 45:9। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 45/9, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो 9 1 9 एंड 9 5 45 इक्वल टू हमें मिलेगा 5/1। नेक्स्ट हम लिखेंगे एंड अभिषेक रन्स इक्वल टू, अभिषेक ने 32 रन्स बनाया है 8 ओवर में, तो हम लिखेंगे 32:8 इक्वल टू, हमें फिर से लिख देना है 32/8, तो उसको भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, 8 1 8 8 4 32 इक्वल टू हमें क्या देखने को मिल रहा है, 4/1। तो दोनों में डेनोमिनेटर सेम है, 1 1 है, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा उसका ही पार ओवर में रन रेट ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्विस का जो रन है वो पार ओवर में ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सर्विस हैड मेड मोर रन्स पार ओवर। क्वेश्चन 12, ए पाइप कैन फिल 300 लीटर ऑफ वाटर इन ए टैंक 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में टैंक में कितना वाटर फिल हो जाएगा, 300 लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इट कैन फिल इन 30 मिनट्स। तो बहुत ही सिंपल है, क्वांटिटी मतलब कितना वाटर टैंक में जमा होगा वो हमें फाइंड करना है, तो हम ऐसे लिखेंगे लेट टोटल क्वांटिटी will be equal to x liter हो जाएगा। तो according to question 300 liter को fill करने के लिए कितना time चाहिए, 2 मिनट चाहिए। proportion पहले आएगा liter, तो liter को हमने consider किया है x, जिसको हमें find करना है। ratio तो कितने टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट्स, तो 30 को इधर लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 300/2, इसकी अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं x/30, तो 2 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 150 आ जाएगा, x into 1 करेंगे तो हो जाएगा x equal to 30 into 150 करेंगे तो 45000, ये होगा वैल्यू, मतलब क्वांटिटी कितना होगा 45000 लीटर। तो आंसर हम लिख सकते हैं क्वांटिटी विल बी 45000 लीटर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इट टेक्स 3 आवर्स फॉर ए टेलर टू स्टिच 2 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म। 2 पेयर यूनिफॉर्म स्टिच करने के लिए टेलर को कितना टाइम चाहिए, 3 आवर्स चाहिए। हाउ लॉन्ग डज ही टेक 12 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म। 12 पेयर्स यूनिफॉर्म अगर स्टिच करना पड़ेगा तो टेलर को कितना टाइम चाहिए वो हमें फाइन करना पड़ेगा, तो उसमें हमें फाइन करना है टाइम, तो टाइम नहीं है, तो इधर हम लिखेंगे लेट टोटल टाइम टेकन इक्वल टू एक्स आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे 3 आवर्स चाहिए हमें 2 पेयर यूनिफॉर्म को स्ट्रिच करने के लिए, तो ये दोनों रेशियो में है। नेक्स्ट हमें लिखना है प्रोपोर्शन, पहले हमने इधर क्या लिखा है, टाइम लिखा है, नेक्स्ट हमें इधर भी टाइम लिखना पड़ेगा। टाइम हमने कितना कंसिडर किया है, एक्स,
तो इधर हम लिख देंगे x रेशियो, तो x टाइम के लिए कितना पेयर्स यूनिफॉर्म बन पाएगा, 12 पेयर्स, तो इधर हम लिख देंगे 12। इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा 3/2 इक्वल टू एक्स बाय 12। तो ये जो 2 है ये डेनोमिनेटर में है, ये जो 12 है ये भी डेनोमिनेटर है, दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 6 12। तो x के साथ इसमें 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x इक्वल टू 3 × 6 करेंगे तो होगा 18, मतलब 18 आवर चाहिए। तो आंसर हम लिख सकते हैं आंसर 18 आवर्स। 12 पेयर यूनिफॉर्म स्टिच करने के लिए ट्रेलर को कितना टाइम चाहिए, 18 आवर चाहिए, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया हुआ है, ए कार ट्रेवल्स 80 किलोमीटर इन 2 whole 1/2 hours, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द कार इन 6 hours। दोनों आवर्स में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस पहले कवर किया है कार ने 2 whole 1/2 hours में, नेक्स्ट हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 6 hours में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम इधर लिखेंगे लेट टोटल डिस्टेंस विल बी, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x किलोमीटर होगा, क्योंकि ये किलोमीटर में है। नेक्स्ट हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको लिख देना है 80, नेक्स्ट इसको लिख देना है 2 whole 1/2, दोनों के बीच में रेशियो साइन होगा, फिर से हमें लिखना है प्रोपोर्शन साइन। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, तो पहले हमें डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस कितना है x है, बाद में हमें लिखना है रेशियो, उसके बाद हमें लिखना है टाइम को, टाइम कितना दिया है 6 hours। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80/2 × 4 प्लस 1 करेंगे तो 5/2। ये जो प्रोपोर्शन साइन है इसके अगेंस्ट हम इक्वल लिख सकते हैं x/6। नेक्स्ट क्या होगा, ये 2 80 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 160/5 इक्वल टू x/6 हो जाएगा। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x × 5 करेंगे तो 5x इक्वल टू 6 × 160 हो जाएगा। बहुत इजी से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जब आएगा डिवाइड हो जाएगा 6 × 160 डिवाइडेड बाय 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 3 = 15, 5 2 = 10। तो 32 के साथ 6 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 6 × 2 करेंगे तो 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा, 3 × 6 करेंगे तो 18 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा 19, मतलब x इक्वल टू हमें वैल्यू मिल गया है 192। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो कार, तो वो आंसर आएगा 192 किलोमीटर। तो आंसर हम लिख सकते हैं 192 किलोमीटर। 192 किलोमीटर कवर करेगा वो कार कितनी आवर्स में, 6 आवर्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा।